आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम अब विधिवत रूप से डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन हो गया है। अंबेडकर अनुयायियों ने मेट्रो स्टेशन बाबा साहब के नाम पर होने से खुशी जाहिर की है। उन्होंने विधायक डॉक्टर जे धर्मेश के साथ मिष्ठान वितरण किया, साथ ही अपनी खुशी का इजहार किया, तो दूसरी तरफ आगरा के सिविल टर्मिनल का नाम बाबा साहब के नाम पर भी रखने की मांग की। और आगरा के एक महत्वपूर्ण स्टेशन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भी किया गया। यूपीएमआरसी ने मुख्यमंत्री की घोषणा को अमली जमा पहनाते हुए आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम विधिवत रूप से डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन कर दिया है, जिस पर खुशी जाहिर करते हुए छावनी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश के साथ अंबेडकर अनुयायियों ने मिष्ठान वितरण किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए सभी अंबेडकर अनुयायियों को इस मेट्रो स्टेशन का नाम बाबा साहब के नाम पर होने पर बधाई दी। देखिए, आज हम सब डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी आगरा बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 7 मार्च को जो कोठी मीना बाजार में दलित महासम्मेलन हुआ था, उसमें इसका नाम आगरा फोर्ट से डॉक्टर अंबेडकर मेट्रो स्टेशन चौक रखने का उन्होंने घोषणा की थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज इस मेट्रो स्टेशन का नाम डॉक्टर अंबेडकर नाम से रख दिया गया है। ये मांग हम विगत लगभग 1 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहे थे और 7 अगस्त 2023 को हम सब डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे करतार सिंह भारती जी जो डॉक्टर अंबेडकर आयोजन समिति के हमारे संयोजक हैं, धर्मेंद्र भारती जी, धर्मेंद्र सोनी जी, श्याम जरारी जी और देवकिंदन सोन जी, सम्राट जी, दिनेश भारत जी, श्याम जरारी जी और जितने प्रमुख से जो कार्यकर्ता हैं डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी हैं, माननीय मुख्यमंत्री से हम जो 7 अगस्त 2023 को मिले थे और हमने उनसे विस्तार से ये समझाया था कि इसका नाम आगरा फोर्ट का नाम बदल करके डॉक्टर बाबा साहब के नाम पर क्यों रखा जाए, इसका महत्व तो हमने उनको जो है कायदे से समझाया था बैठ करके। माननीय मुख्यमंत्री जी हमको करीब आधा पौन घंटे का समय भी दिया था, तो उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था कि इसका हम परीक्षण करा लेते हैं और परीक्षण कराने के पश्चात हम ये नाम की घोषणा कर देंगे, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगरा के अंदर की थी 7 मार्च को। तो आज उसका नाम अंकित हो गया यहाँ पर और उसकी के हम खुशी के साथ में हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के पदाधिकारियों और बाबा साहब के अनुयायियों ने इस मेट्रो स्टेशन का नाम बाबा साहब के नाम पर होने पर खुशी तो जाहिर की, लेकिन उन्होंने सरकार से मांग की कि आगरा अंबेडकर नगरी के रूप में जाना जाता है, इसलिए आगरा में किसी भी बड़े सरकारी उपक्रम का नाम बाबा साहब के नाम पर हो, उन्होंने सिविल टर्मिनल का नाम बाबा साहब के नाम पर करने की मांग सीएम योगी आदित्यनाथ से की। करतार सिंह भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको भीष्म पितामह कहा जा सकता है। लोक साहब, आपको बधाई कि मेट्रो स्टेशन का नाम, लेकिन फिर भी आपकी मांग अभी अधूरी है। मेट्रो स्टेशन का नाम सरकार ने घोषित किया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है, लेकिन हमें यह भी कहना पड़ेगा कि जो आगरा के 7-10 लाख आदमी चाहते थे बाबा साहब के स्टेशन को कहाँ पर बनाना, वहाँ पर न बन के दूसरे स्थान पर बना है, लेकिन फिर भी सरकार ने ऐसा जनभावना का ध्यान रखा, लोगों का सम्मान किया और बाबा साहब के नाम पर रख दिया, हम इस बात का स्वागत करते हैं। और जहाँ तक सरकार का आम जनता के लिए वेलफेयर या बाल कल्याण की बात है, उसका भी हम स्वागत करते हैं कि कहीं कहीं सरकार पूरी तरह से कामयाब है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम सरकार के सामने अभी एक चुनौती बने हुए हैं जिनका करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आगरा जैसा महानगर, आगरा जैसा ऐतिहासिक स्थल जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहाँ पर अभी तक पर्यटन के बहुत सारे काम नहीं हो पाए हैं। उनके होने से निश्चित रूप से जैसे देश के और बहुत से शहर हैं आगे बढ़ के आगे आ गए हैं, हम लोग आर्थिक रूप से भी बहुत संपन्न नहीं हो पाए हैं। हम सरकार से चाहेंगे कि आगरा का जो वैभव है, आगरा का जो ऐतिहासिक महत्व है, उसके अनुरूप ही सरकार को योजना बनानी चाहिए और आगे काम करना चाहिए। अंबेडकर चौक आज बना है, कितनी खुशी की बात है अंबेडकर अनुयायियों के लिए? देखिए, खुशी की बात तो बहुत है, लेकिन जिस तरह से अंबेडकर चौक का नाम रखा गया, डॉक्टर अंबेडकर चौक, ख़ास तौर से मैं बताना चाहूँगा, बाबा साहब के लिए ये कोई बहुत बड़ा महत्व का नहीं है, महत्वपूर्ण काम नहीं है जो नाम रखा गया है। जब मोदी सरकार ने, जब बाबा साहब इंग्लैंड में रहे थे,
वहाँ का अधिग्रहण करके उनका संग्रहालय बनाया गया है। मोदी सरकार ने दिल्ली में जो बाबा साहब के जो पढ़े उनकी किताब का पूरा संग्रहालय दिल्ली में बनाया गया है, बहुत बड़ा, वो उनके बाबा साहब के नाम के स्तर का है। मैं खास तौर से योगी सरकार से, मोदी सरकार से इतना जरूर कहना चाहूँगा, जो मेट्रो स्टेशन का नाम तो रखा ही गया है, लेकिन ये आगरा है, दलितों की नगरी कहा जाता है, यहाँ से दलितों का संदेश जाता है, यहाँ एयरपोर्ट बनने जा रहा है, हो सकता है बनेगा, स्वाभाविक है, उसका नाम भी कम से कम जगह भी अधिग्रहण कर ली गई है, लेकिन मैं मोदी सरकार से इतना निवेदन करूँगा कि उस एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट होना चाहिए। जी, आज आपने मिष्ठान भी वितरण किया है, बाबा साहब के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम भी रखा गया है, तो और क्या मांग है आपकी? ऐसा है कि आगरा के लिए बहुत कुछ अभी बाकी है, आगरा के विकास के लिए, जैसे कि हम लोग बहुत दिन से यहाँ मांग कर रहे हैं कि यहाँ बैराज बनना चाहिए। हालांकि गंगा जल मिल गया है, मगर गंगा जल मिलने से वो समस्या का समाधान नहीं होने वाला है कि यहाँ का जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। यहाँ एयरपोर्ट बनना चाहिए, एयरपोर्ट बन भी रहा है और वो अभी बन रहा है, और ख़ास करके बहुत सी ऐसी कमियाँ हैं जो यहाँ बहुत दूर हो सकती है। व्यापार के बारे में पहले बता चुका हूँ आपको कि व्यापार की बहुत स्थिति ख़राब है, ऐसे ऐसे टैक्स लगा दिए हैं, उनसे बहुत दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को। जो बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है उनको 18% है उनके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, और जो घर में बनाने वाले जो जूता उद्यमी हैं उनको 18% टैक्स लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे कम से कम एक गवर्नमेंट को इसका अध्ययन करना चाहिए। और इतना बड़ा आगरा जो है, खास करके यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बहुत मानने वाले लोग हैं, और सारे समाज मिलाकर हम समझते हैं कि आगरा बहुत बड़ी नगरी है। मेट्रो स्टेशन का नाम रखा है, ये बहुत खुशी की बात है, इसलिए ज़्यादा खुशी है क्योंकि हम लोग चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम जो बिजली घर चौराहा है उसका नाम होना चाहिए। मगर हमें इस बात की भी खुशी है क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल जगह है, ये यहाँ लाल किला सामने है, यहाँ बाबा साहब का नाम से मेट्रो का नाम रखा गया है, जो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मगर इसके साथ साथ जैसे कि अभी एयरपोर्ट बन रहा है, तो हम लोग चाहेंगे उसको भी उसी तरह से, जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा कि उसका नाम जो बाबा साहब के नाम से होना चाहिए, तो मेरी भी यही मांग है कि बाबा साहब के नाम से होना चाहिए। आपको बता दें कि 7 मार्च को आगरा में भाजपा के अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी ने आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की थी, जिस पर अमल करते हुए UPMRC ने इस मेट्रो स्टेशन का नाम अम्बेडकर चौक मेट्रो स्टेशन कर दिया है। इस मेट्रो स्टेशन का नाम बाबा साहब के नाम पर कराने के लिए अम्बेडकर अनुयायी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उनकी मांग को धार दी थी पूर्व मंत्री छावनी विधायक डॉक्टर GS धर्मेश ने, जिनके पत्र पर CM ने मौके पर ही संज्ञान लिया था और अपनी सहर्ष स्वीकृति देते हुए आगरा में ही आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम अम्बेडकर चौक मेट्रो स्टेशन करने की घोषणा की थी। अम्बेडकर अनुयायी उत्साहित तो हैं, लेकिन उनकी एक मांग और है कि इस चौक का नाम अम्बेडकर मेट्रो स्टेशन रखा गया है, लेकिन आगरा में जो सिविल टर्मिनल बन रहा है उसका नाम भी डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जाना जाए, क्योंकि आगरा अम्बेडकर नगरी के रूप में जाना जाता है, यहाँ अम्बेडकर अनुयायियों की संख्या ज़्यादा है, दलितों की राजधानी के रूप में आगरा प्रतिष्ठित है, यही वजह है कि यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी चाहते हैं कि बाबा साहब के नाम से यहाँ हर नया जो बड़ा सरकार का उपक्रम हो उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर हो। डॉक्टर अम्बेडकर मेट्रो स्टेशन से अपने साथी इंद्रजीत और अनूप के साथ विजय बघेल, CNews आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल CNews के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।